हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे रोटी पुडिंग। आपने पुडिंग तो बहुत खाई होगी, लेकिन रोटी से बनी हुई पुडिंग अभी तक नहीं खाई होगी। तो इस पुडिंग की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। देखने में ये लगेगी ही नहीं कि रोटी की बनी है। बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी पुडिंग की रेसिपी है ये, खा के मज़ा ही आ जाएगा आपको। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए कितनी सॉफ्ट है, लग रही है कि रोटी से बनी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को हमें कैसे बनाना है। रोटी पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले कैरेमल तैयार कर लेते हैं। 4 बड़े चम्मच चीनी लेंगे और उसमें 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए इसका कैरेमल बना लेंगे। कैरेमल को हमेशा स्लो फ्लेम पर ही बनाएँ। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच नींबू का रस। नींबू के रस से चीनी कभी भी क्रिस्टलाइज नहीं होगी और एक अच्छा सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट भी आ जाएगा कैरेमल में। इसे लगातार चलाते रहें जब तक एक प्यारा सा ब्राउन कलर ना हो जाए। देखिए ये हो गया है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, जल जाएगा तो टेस्ट इसका कड़वा लगेगा। बस गैस की फ्लेम को अब बंद कर दें। कलर डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, लाइट ब्राउन ही रहने दीजिएगा। अब इसे हम इस तरह से गहरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हमें पुडिंग को सेट करना है, और इसे अच्छे से पूरे में फैला लेंगे। कैरेमल पूरे में फैल गया है, अब इसे हमें सेट होने के लिए रख देना है। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं आगे पुडिंग बनाने की। अब एक पैन लेंगे, पैन में डालेंगे 1/2 लीटर दूध। आप कच्चा दूध या उबला हुआ दूध दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें ऐड कर देंगे 4 बड़े चम्मच चीनी और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध को हमें जब तक पकाना है जब तक कि 1/4 जल ना जाए। जब ये 1/4 जल जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बटर और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई रोटी। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए और इसे अब इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच वेनिला एसेंस। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से और अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं। अब हमें चाहिए 4 अंडे, 2 अलग और 2 अलग। 2 हमें पूरे चाहिए जर्दी के साथ और 2 की सिर्फ जर्दी चाहिए। इस तरह से 2 की जर्दी हम सिर्फ निकाल लेंगे। अब एक जार लेंगे, जार में हम अंडों को डाल देंगे और इसमें ऐड करेंगे हम दूध और रोटी जो ठंडा कर लिए थे, इसे इसमें डाल के और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। जब एक फाइन सा पेस्ट बन जाए तब हम लेंगे वो बर्तन जिसमें हम कैरेमल को सेट किए थे और उसके ऊपर एक इस तरह से छन्नी रख के और सारे लिक्विड को छान लेंगे। छानने से ये फ़ायदा होता है, जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो छन्नी में आ जाते हैं, और जब हम पुडिंग बनाएंगे तो हमारी पुडिंग बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती है। देखिए इस तरह से हम छान लिए हैं। पानी को पहले ही हमने गैस पर रख दिया था खोलने के लिए, पानी खोल गया है। अब इसमें हम इस बर्तन को धीरे से रख देंगे, इसे इस तरह से ढक दें और एकदम स्लो फ्लेम पे इसे 35 से 40 मिनट के लिए ढक के छोड़ दें। टाइम पूरा हो जाए तो लीड हटा के इसे चेक कर लें। ये हो गया होगा, देखिए कितना अच्छा सेट हो गया है। लेकिन इसे चाकू से एक बार चेक कर लीजिए, देखिए ये हो गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसे बाहर निकाल लें और इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब इस तरह से चाकू से किनारे किनारे कट लगा दें ताकि जब हम अपनी पुडिंग निकालें तो ये अच्छे से आसानी से निकल जाए। अब एक प्लेट लेंगे और इस तरीके से पलट लेंगे, बहुत ही आसानी से पुडिंग निकल जाएगी। ये देखिए पुडिंग निकल गई है। चलिए अब इसे हम कट करके दिखाते हैं कि कितनी सॉफ्ट और कितनी टेस्टी बन के तैयार हुई है। लगेगी नहीं कि रोटी से बनी हुई है ये। रोटी से बनने वाली इस पुडिंग की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा,
ट्राई करके कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी आपकी पुडिंग। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी पुडिंग की ये रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।